जिस समय भगवान शरीर से और अंतर्ध्यान हो गए, अपने धाम को प्रभु ने गमन कर दिया, बहेलिया के बाण के माध्यम से प्रभु ने अपने शरीर की लीला को पूर्ण कर दिया, तो ये जो द्वारिका की हजारों हजार रानियां थी, ये बहुत शोक में डूबी रहती थी, दिन रात रोती थी। विरह तो विरह होता है, और वो भी कृष्ण जैसा पति, उसका विरह जब केवल हमने तो कथाएं सुनी है, जब उनकी कथाएं सुनकर हमको कितना द्रवित और कितना वैसा भाव हो जाता है सबको, तो जिन्होंने सानिध्य प्राप्त किया है, कृष्ण का स्पर्श किया है, कृष्ण की सेवाएं की हैं, उनके साथ रही है, उनको कितना विरह रहा होगा, सब उखड़ी उखड़ी, सब सुस्त, भोजन पानी कुछ न करे। तो इन्होंने रानियों ने देखा कालिंदी पर कोई असर नहीं है, यमुना जी पर किसी प्रकार का ना, वो ठमकती घूमती गुनगुनाती गीत गाती मचलती ऐसे। एक दिन रुक्मिणी जी सत्यभामा आदिक ने इनसे पूछा, कालिंदी बहन एक बात बता, हम शोक में मरी जा रही है, विरह में हम मरी जा रहे हैं, और आपके चेहरे पर विरह का कोई संकेत नहीं, विरह का कोई लक्षण नहीं, क्या बात? तो कालिंदी ने कहा कि मुझे कभी लगता ही नहीं कि कृष्ण यहां से कहीं चले गए, मुझे तो कभी नहीं लगता, कृष्ण शरीर तो है नहीं, आप कृष्ण को केवल शरीर मानते तो शरीर तो नश्वर है, आज है कल चला जाएगा, ये तो पंचभूतों का शरीर है, पंचभूतों में मिल जाएगा, मुझे कभी अनुभूति नहीं हुई कि द्वारिकानाथ हमको छोड़कर कहीं चले गए, आज भी मेरे चारों ओर उनका वास है। हां अगर तुम इस स्थिति में जीना, तो उन्होंने पूछा कि ये स्थिति आपकी कैसे हुई, बोले उद्धव जी की कृपा से हुई, आपको भी अगर विरह से मुक्त होना है उद्धव जी का सत्संग करिए, देखो कष्ट में किसी न किसी संत के साधु के चरणों में जाकर बैठ जाइए, वो संत आपको कोई सहायता नहीं कर पाएगा लेकिन सांत्वना दे देगा, शांति प्रदान करेगा, अच्छा लगता है। एसी के नीचे बैठोगे कुछ न कुछ शीतलता जरूर अनुभव, संत सरल चित जगत है, जहां शांति मिले वो संत है, एक ही परिभाषा है, जहां शांति मिले वो संत है। तो आपको उद्धव जी कहां मिले? तो कालिंदी ने कहा कि शरीर से तो वो बद्रीनाथ चले गए, जब भगवान स्वधाम जा रहे थे उससे पहले उद्धव जी को उन्होंने बोले, कहा उद्धव तुम मेरे विरह को सहन नहीं कर पाओगे, वो स्थिति ऐसी होगी कि तुम प्राणांत कर लोगे, आत्महत्या कर लोगे, और ये बड़ा अपराध माना जाता है, तुम बद्रीनाथ चले जाओ, और बद्रीनाथ में तुम मेरा स्मरण करना, भजन करना। तो शरीर से तो वो आज भी उद्धव जी कई महात्माओं को दर्शन देते हैं बद्रीनाथ में, अभी वो शरीर वहाँ हैं, और कई महात्माओं को उद्धव जी के दर्शन हुए। आप कह सकते हैं चुका आपको नहीं हो रहा है, सब कपोल कल्पित है, नहीं, उनके साक्षात्कार हैं, उनको हुए हैं, ऐसे योगी अभी भी है। तो कालिंदी ने कहा कि शरीर से तो उद्धव जी बद्रीनाथ में निवास करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन भाव शरीर से वो कुसुम सरोवर पर उद्धव कुंड में वहां निवास करते हैं। आप चलें तो उनका दर्शन करें, उनसे सत्संग करें, तो आपका भी विरह कम। तो वहां से ये परीक्षित जी के साथ, जो परीक्षित जी थे उनके साथ सब रानियां कुसुम सरोवर पाई हैं, यहां सब बैठे। कैसे उद्धव जी प्रकट होंगे? बोले भगवान के नाम का कीर्तन करिए, और वहां बैठकर कालिंदी जी ने, यमुना जी ने सभी रानियों से कीर्तन कराया है। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गिरिवरधारी, जय राधा।
कान में गई, अवधूत अवस्था में सामने से उद्धव जी आते दिखाई दिए। सब रानियां खड़ी हो गई, दंडवत प्रणाम किया है। उद्धव जी ने व्यास पीठ किया थी, बस एक पत्थर के ऊपर बैठकर बहुत सांत्वना दी। भगवान कृष्ण का पूरा उपदेश किया है कि तत्व से उनको पुकारिए। देह का तो देवियों एक धर्म होता है, कोई 100 वर्ष जीता है, कोई 125 साल जीता है, कोई 80, कोई 90। देह को तो जाना ही होता है, भगवान तत्व रूप से उनको पुकारिए। भगवान का दर्शन आपको द्वारिका में ही होगा।